हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल आरती यादवा। और आज फिर से मेरी मॉडल माय प्रिंसेस मेरे साथ है। आई एम आरती एंड शी इज आद्या। वेलकम मैम। आज का जो वीडियो है वो आद्या स्पेशल है। कुछ मैंने आद्या को ही ध्यान में रखते हुए बनाया है। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि आद्या के लिए मैं कोशिश करती हूँ कि जो चीज़ें जितना हो सके नेचुरल चीज़ें मैं इसके लिए यूज़ करूँ, इसके बालों के लिए, स्किन के लिए। तो उसी में से ही मेरी नेचुरल DIY हेयर कंडीशनर जो मैं आज बनाने वाली हूँ, जो आज आद्या के सर में मैं लगाने वाली हूँ, हेयर मास्क, इस कंडीशनिंग मास्क, और वो मैं नेचुरल चीज़ों से बनाने वाली हूँ। सो आद्या, आर यू रेडी? यस, शी इज सुपर रेडी एंड आई एम ऑल्सो रेडी। आई एम गोइंग टू शो यू हाउ डिड आई डू इट। सो आज मेरी मम्मा मेरे बालों पे हेयर मास्क लगा रही है जिससे मेरे बाल हो जाएंगे बिल्कुल सॉफ्ट, स्मूथ, सिल्की और सिल्क। अच्छा, और स्पेशल बात यह है कि जो ये मास्क है ये हम खुद अभी बनाने वाले हैं। सो लेट्स शेयर हाउ वी आर गोइंग टू डू इट। आर यू रेडी? यस, लेट्स स्टार्ट। आई एम तो सुपर रेडी। आज का मास्क बनाने के लिए मैंने यूज किया है हिबिस्कस लीव्स। ये देखो आद्या कितनी अच्छे से शो कर रही है। ये फ्रेश हिबिस्कस फ्लावर और ये है लीव्स। तो ये लीव्स जो हैं मैंने पहले नीचे गार्डन से कट करके मैं ले आई हूँ, और अब इन लीव से हम बनाने वाले हैं। नॉर्मली इसको आपको बस ग्राइंड करना है और ग्राइंडर में घुमा के इसकी क्या बना देनी है, चटनी। तो आई विल जस्ट मेक अ चटनी। मतलब और मुझे अपना लीव्स का हेयर मास्क लगाना है। मतलब आपको लीव्स का चटनी अपने बालों में लगानी है, और आप फिर आप देखिएगा इट वर्क्स लाइक अ मैजिक। अगर आप ये मास्क लगाते हैं तो आपके बच्चे के जो बाल हैं वो नेचुरली इतने शाइनी और स्मूथ हो जाते हैं। सो लेट्स चेक। ओके फ्रेंड्स, मैंने इन पत्तियों को ग्राइंड कर लिया, इस तरह से एक चटनी जैसा बन गया। और मैं आपको बता देती हूँ इन लीव्स की जो प्रॉपर्टी है वो इस तरह की कि खुद से ही इसके अंदर एक ग्लूई सा सब्सटेंस है जो कंडीशनर का काम करता है। जब आप इसको ग्राइंड भी करेंगे तो आप देखेंगे खुद से खुद ये सारा खुद में बाइंड हो जाता है। तो ये जो है इसके अंदर जो मॉइस्चराइजर है या जो एक चिकनापन है वो बालों को कंडीशनर का काम करता है। तो अब मैं आपको बताती हूँ इसको लगाना कैसे है। यू नीड टू प्रिपेयर लाइक दिस फॉलिंग, जस्ट सी। सिर्फ मैंने ग्राइंड किया, थोड़ा सा पानी डाल के। Yes, you need to take out your hair. Section करूंगी मैं बालों को सेंटर से। Okay, like this. Half मैंने सेक्शन कर लिया है। उसके बाद नॉर्मली ब्रश की भी जरूरत नहीं है, ग्रीन कलर का हेड मास्क जो है लगा लिया। और ये हाथ में भी मैं फील कर पा रही थी कि जो इसमें कंडीशनिंग सब्सटेंस है नेचुरल, इसके लीव्स में जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही सॉफ्ट है, चिकना है, जो बालों को जो है सॉफ्ट और शाइनी बना देगा। ओके, इसको हम 15 मिनट्स मिनिमम छोड़ना चाहिए, मैक्सिमम आपको जितनी भी देर छोड़ना है, जितना भी आपके पास टाइम है। इफ़ यू हैव लॉस ऑफ टाइम तो आप काफ़ी देर छोड़ सकते हैं, अगर आपको जल्दी है यू आर शॉर्ट ऑफ टाइम तो आप जल्दी से इसको वॉश कर सकते हैं। पर मिनिमम 15 मिनट्स आप इसको हेयर में छोड़ें, और निकालते वक्त डू रिमेंबर कि ये थोड़ा बालों के अंदर इसके जो पार्टिकल्स होते हैं स्टिक हो जाते हैं, तो आप एक कोम की हेल्प से उसको रिमूव कर सकते हैं। तो पहले हम इसको 15 मिनट्स के लिए रेस्ट करने देंगे और लेट इट वर्क ऑन द हेयर, एंड देन आई विल शो यू कि ये कितना अच्छा कंडीशनर है।
ये देखिए, अब हमने आद्या का हेड वॉश कर दिया है फ्रेंड्स, और हेड वॉश करने के बाद इसके बाल जो है कितने शाइनी लग रहे हैं। आते टर्न करो शो, यस। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हो सकता है कि एक बार में ये ना निकले, थोड़ा स्टिकी लग रहा है, जो भी है पत्ते रह जाते हैं, तो आप कोशिश करें आप तब लगाएं जब आपको कहीं जाना ना हो, तो अब सेकंड वॉश में निकल जाएगा। अगले दिन दोबारा वॉश आप इसको कर सकते हैं और निकाल सकते हैं, राइट। और बहुत छोटे बच्चों के हेड में ना लगाएं, उससे क्या होगा कि बच्चा इरिटेट भी हो सकता है, क्योंकि ये निकलने में टेक्स टाइम, थोड़ा वॉश करना पड़ता है, थोड़ी कोम की हेल्प लेनी पड़ती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आद्या से। थैंक्स, thank you for watching. So if you like the video, so like, share and subscribe. Bye.